जय श्री राम आप सभी लोग कैसे हैं। नमस्ते जय श्री राम आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग। देखिए ये सामने तीन बंदे आते दिख रहे हैं जो राम नाम का झंडा जो है अपने हाथों में लिए हुए हैं, अपने बैग पे टांगे हुए हैं। और इनके बारे में बता दें कि ये लोग जो हैं, जय श्री राम जय श्री राम। दो मिनट का समय दीजिए आप लोग। देखिए हम इनके बारे में बता दें कि ये भाई जो लोग हैं, ये लोग दरभंगा से बिहार जा रहे हैं पदयात्रा करते हुए, और दरभंगा बिहार से ये लोग अयोध्या जा रहे हैं पदयात्रा करते हुए और नंगे पैर जा रहे हैं। इनके पैरों को आप देख लीजिए, पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, और देखिए इन भाई के पैरों में छाले भी पड़ गए हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान श्री राम के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए आप सभी लोग, जय श्री राम जय श्री राम। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? रवि महासेठ। रवि महासेठ, अच्छा भैया आपका नाम? सनी महासेठ। सनी महासेठ, मेरा प्रेम। तीनों भाई हैं क्या आप लोग? सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। अच्छा, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। अरे ये फ्रेंड हैं। तो ये कब यात्रा शुरू किए हैं आप लोग? तेरह को निकले हैं 3 बजे, 13 जनवरी को। आज आपका है 23 जनवरी, 10 दिन में आप पहुँचे हैं गोरख खलीलाबाद पहुँच जाएंगे आप लोग। खलीलाबाद आप लोग पहुँच जाएंगे यार। खलीलाबाद से लगभग 135 किलोमीटर अयोध्या है। 135 किलोमीटर अयोध्या है, यहाँ से 116 नहीं, खलीलाबाद से, हाँ सही है सही, राइट राइट राइट, ओके, खलीलाबाद से 100 किलोमीटर अयोध्या है, 100 किलोमीटर अयोध्या है, गोरखपुर से 135 है, गोरखपुर से 135 है। तो आप लोग ये बताइए कि दरभंगा से कितनी दूरी पड़ी है अयोध्या की? 450 किलोमीटर। 450 प्लस है, और 450 किलोमीटर से आप लोग पैदल चल रहे हैं? बाप रे, खाली पैर, खाली नंगे पैर। और भोजन वगैरह कहाँ करते हैं आप लोग? स्वयं बनाते हैं या फिर कहीं? अच्छा अच्छा, अच्छा रहने का भी जगह कर देते हैं। अच्छा, ये लोग शायद आप लोग इनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि पीछे शोर ज्यादा है, मैं बता दूं कि ये लोग कह रहे हैं कि जब रास्ते में चलते हैं तो कोई भक्त मिल जाता है तो इनका सपोर्ट भी कर देता है, अपने घर भी रोक लेता है, ऐसा है ना? ठीक है, तो स्कूल वगैरह, हाँ जहाँ मंदिर वगैरह मिलता है वहाँ रोक लेते हैं, नहीं तो ये लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, है ना? तो उद्देश्य क्या है, मतलब इतना दूर पर यात्रा करने का कोई उद्देश्य है? एक श्रद्धा है, 500 साल के बाद इतना श्रद्धा की वजह से जा रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है? अच्छा, इनकी श्रद्धा है केवल यूथ को मोटिवेट करना है, क्या बात है। थोड़ा थोड़ा दूर के लिए गाड़ी निकाल लेना प्रिंस भाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा दूर के लिए आदमी गाड़ी निकाल के चल जाता है सामान लेने वगैरह, यही चीज़ देखना है। जो अगला मतलब पहले के जमाने में गाड़ी घोड़ा नहीं रहती थी, तो ऐसे भी आदमी जाते थे। हाँ भाई, क्या बात है। देखिए ये कह रहे हैं कि इनका जो मोटिव है वो यूथ को मोटिवेट करना है, मशीनों का उपयोग ना करें, फिटनेस रहे लोगों में, है बिल्कुल। जब फिटनेस नहीं रहेगा, आप लोग इतने फिट हैं कि आप लोग 450 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अच्छा, एक दिन में कितनी यात्रा कर लेते हैं? एक दिन में हम 35 35 किलोमीटर नंगे पर एक दिन में? वाह ग्रेट। तो सुबह खाना खा के निकलते हैं या फिर रात में इकट्ठा भोजन करते हैं? सुबह भी खाते, सुबह भी चाय नाश्ता करके निकलते हैं, चाय नाश्ता करके निकलते हैं, फिर रात में करते हैं ये बैग वगैरह, बीच में चाय पानी वगैरह पीते हैं। अच्छा अच्छा, तो अयोध्या में जा करके रामलला का मंदिर का दर्शन करना है, मूर्ति का दर्शन करना है, पूजा करना है। अच्छा, तो वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, मतलब ब्लॉग वगैरह बनाते हैं आप लोग? नहीं, हम सब इंस्टा पे एक्टिव हैं। अच्छा, इंस्टा पे एक्टिव हैं। तो इंस्टा पे कितने फॉलोवर हैं आपके? अभी मैं रिसेंटली स्टार्ट किया हूं, तो मेरा साइज 1100 के आसपास। अच्छा अच्छा, तो आपका इंस्टा चैनल क्या है बता दीजिए, मैं नोट मेंशन कर दूंगा। गोकू फिटनेस 78। यूट्यूब गोकू फिटनेस, गोकू फिटनेस 78 नाम का इनका इंस्टा चैनल है। और आपका भी कोई चैनल है? फिटेक्स रवि। फिटेक्स रवि, अच्छा फिटेक्स रवि। तो आपका भैया? मेरा प्रिंस भी पर है 37 के फॉलोअर्स। अच्छा 37, 37,000 फॉलोअर्स हैं। और आपके? 2,000 फॉलोअर्स हैं। कोई नहीं, आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों को देख के इतनी खुशी मिल रही है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग भी थोड़ी दूर जाने के लिए अपना बाइक उठा लेते हैं या फिर साधन उठा लेते हैं चलने के लिए। आप लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों से हमें नहीं प्रभावित होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी प्रभावित होंगे, और जितने यूथ हैं जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो लोग सब लोग प्रभावित होंगे आपकी वजह से। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। रवि भाई, रवि महासेठ, सनी महासेठ और प्रिंस भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यहाँ पे आ गया थी, क्या नाम भैया आपका? लौकु शुक्ला जी हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, जय जय सिया राम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो आप लोगों ने देखा ना, ये लोग जो तीनों लोग हैं किस तरह से इतनी मेहनत करके, क्या बात है, किस तरह से इतनी मेहनत करके ये लोग पदयात्रा कर रहे हैं भगवान के नाम का, और दरभंगा से ये लोग अयोध्या जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भाइयों, जैसे इन लोगों ने बताया कि यूथ को मोटिवेट करना है, और उनको बताना है कि मशीनों का उपयोग कम करें और जितना हो सके शारीरिक मेहनत करें, तो ये बात कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये बहुत बड़ी बात कर दी।
क्योंकि 450 किलोमीटर की पदयात्रा करना आसान बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग भी इस बात को समझिए, इस बात को सोचिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए और श्री राम की जो अनन्य भक्ति है, श्री राम का नाम लेकर के जिस जोश के साथ ये लोग जा रहे हैं, वो जोश सब में पैदा हो, वो उत्साह वो उमंग सब में पैदा, वो उत्साह और वो उमंग सब में पैदा हो। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। एक बार फिर से बोलते हैं जय सियाराम।